हाँ सतीश, हाँ हम पहुंच गए, चलो हम चलते हैं, जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो चलो। तुमने सब कुछ ले लिया ना? हाँ, नाइस, ओके। अब हाँ, तुम नीचे के दरवाजे लॉक कर दो, मैं यहाँ के लॉक करती हूँ। तुमने यहाँ के सारे रूम लॉक कर दिए ना? ओके, इस तरफ और इस तरफ। हाँ, वो चली गई, अब वो अकेली ही है। जल्दी आओ, चलो चलो। अगर वो शाम को चली गई तो क्या हुआ? मैं किसी चीज से नहीं डरती। हे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि वो लोग खुद डर गए हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ मैं गवाही देकर रहूंगी। जो कुछ भी हुआ मैं सच सच बोल कर रहूंगी, ताकि किसी लड़की के साथ भविष्य में ऐसा हादसा ना हो जिस वजह से दोबारा वो लोग ऐसी रैगिंग ना कर पाए। हाँ, वो तो ठीक है। कौन है? प्लीज होल्ड करना। कौन है? नैना, अनु, दरवाजा खोलो। क्या काम है? अरे दरवाजा खोलो ना, कुछ जरूरी काम है। क्या चाहिए? अगर शोर मचाया तो तुझे जान से मार दूंगा। कोई तुझे यहाँ बचाने भी नहीं आएगा। हमने यहाँ के सारे रूम लॉक कर दिए हैं। तुमने ऐसा नहीं सोचा था ना? तो तू कल हम लोगों के खिलाफ गवाही देगी? हाँ, तू हम लोगों के खिलाफ गवाही देने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी, पूरी ताकत। उसकी वजह से हम पांचों को कॉलेज से डिसमिस कर देंगे। आज की रात खास है, उसके बाद भले ही 7 साल जेल में रहना पड़े, इसलिए आज रात मजा लेना जरूरी है। आज की रात बहुत खास होगी। कल चाहो तो कोर्ट में ये बयान भी जोड़ लेना। चलो। मेरे नजदीक मत आना, मैं कह देती हूँ। तुझे कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मिलकर तुझे धक्का दे देंगे। चल उतर नीचे। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो मैं कह देती हूँ मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी। हम सब भी लोग वही चाहते हैं। कोर्ट में हम लोगों के खिलाफ गवाही देगी, हाँ? खुद को क्या समझती है? अगर कोर्ट ने तेरी बात मान ली तो हमारी जिंदगी खत्म। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि जिस जिंदगी की वजह से हमारी जिंदगी को खतरा है उस जिंदगी को नहीं।
देखो ये मेरा दिल है, इसे कबूल करो। एक बात बताओ, हम प्यार करके भागे या भागने के बाद प्यार करें? तुम क्या बोलती हो? ये बताओ कि भागते हुए मार खाना चाहोगे या मार खा के भागना चाहोगे? अरे अरे, इन सब बातों को रहने दो भाई। ओके डार्लिंग, हम शाम को 6 बजे पार्क में मिलते हैं, आ जाना। ओके चलो। तुम्हें दिखाई नहीं देता, हॉस्पिटल जाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, वो क्या बात है कि हॉस्पिटल में वो ठंडी लगती है। तुम दोनों अगर मेरे साथ आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय, चलना, इसे जाने देना चाहिए। नीचे उतर। हाय, तो इस तरह बैठ चल। क्या आनंद, नए स्टूडेंट्स कैसे हैं? तू उन लोगों से मिला क्या? उसके लिए अभी बहुत वक्त है, पहले उन्हें क्लासरूम में तो बैठने दो। नहीं नहीं, हमें सुबह से ही शुरुआत करनी होगी, चलो मेरे साथ। ओह, ऐसा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है अभी, क्या बोलता है तू? बिल्कुल, जब तक सतीश नहीं आता शरीफ बन कर रहेंगे, और उसके आने के बाद। अच्छा तो ये बात है। हे प्रिंसिपल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर फूल। ये क्या है मिस्टर राज? तुम पिछले 16 साल से एक ही क्लास की शोभा बढ़ा रहे हो। सर वैसे MBBS में इस तरह की पढ़ाई की सहूलियत तो है, पर तुम सारी उम्र एक ही क्लास में घिसोगे ये मत सोचना। सर तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाना चाहिए, ताकि मैं 2 साल के बाद चैन से अपना रिटायरमेंट ले सकूं। ओ अच्छा, तो आपको मुझे 2 साल और झेलना पड़ेगा। तुमने यहाँ अपने 16 साल तो बर्बाद कर ही दिए हैं, तो फिर 2 साल में कौन सा झंडा गाड़ोगे? जाओ यहाँ से गधे, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। सर फूल। फूल ये ले जाकर तुम अपने बाप को दे दो, वो इसे अपने कार में लगा कर घूमेंगे। ओके यस। अब उनके पास जाके देखेगा कि क्या हो रहा है, क्या आदमी है, कुछ भी करता है, पागल कहीं का। जब मेरे बाप को गालियां पड़ती है तो बहुत मजा आता है मुझे। ओ इधर ही आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? लगता है इधर ही आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया बढ़िया, जो तुम लोगों ने पिछले साल किया था मैं वो सब भूल चुका हूँ। पिछले साल भाग्य से बच गए थे तुम लोग। अगर तुम लोगों ने अपनी पुरानी हरकतें इस साल भी नहीं छोड़ी और ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम लोगों का इस साल भी बर्बाद होने वाला है। मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ये कोई तरीका है कैंपस में बाइक चलाने का? हाँ? ओ, आखिर पता कैसे चलेगा कि मिनिस्टर के बेटे हो? अपने बाप की रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो? उनका रेपुटेशन? अरे वो तो पहले से ही खराब है। क्या आदमी है यार। तो उधर देख। अरे यार, ए, तुझे पता है वो कौन है? नहीं यार। अरे वो वर्मा की बेटी, ABG ग्रुप। अरे उसकी ऐसी कमाल की बेटी है। तुम लोग यहीं रुको, मैं उससे मिल के आता हूँ। अरे नहीं यार, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने वर्मा अंकल की बेटी है, उसे बोल यहाँ आने के लिए। उसे यहाँ बुला ले, आज की शुरुआत इसी से करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ, जा जा बुला के ला। हेलो जो जोश, थैंक्स, वेलकम। हाय, आपका नाम क्या है? अमला। कैसे रोमांटिक बातें कर रहा है ना। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। वो सतीश है, मंत्री का बेटा है। मुझे क्लास में जाना है, प्लीज।
हाँ? अरे रुको, क्या क्लास? क्लास में तो तुम बाद में भी जा सकती हो, चलो पहले देखो अगर सीनियर्स बुलाए तो तुरंत आना चाहिए, चलो प्लीज मुझे। अरे क्या यार, तुम एक ही दिन में MBBS पास कर लोगी क्या? चलो जल्दी मेरे साथ। हे सुना नहीं क्या? मैं कमिंग सर। यस। सर। रोहित मेनन फ्रॉम बैंगलोर। यस सर। हाउस सर्जन के तौर पर ज्वाइनिंग करना है। राइट सर। स्पेशल परमिशन है तुम्हारे पास यहां ज्वाइन करने के लिए। करेक्ट। तुम यहीं ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? हाउस सर्जन का काम अपनी जगह करना चाहता हूं सर। गुड। सेकंड रैंक मिला है तुम्हें। राइट सर। ये जाकर ऑफिस में दे दो। MICU में तुम्हारी पहली पोस्टिंग होगी। जाकर डॉक्टर चंद्रशेखर से मिलो, वही तुम्हारे इंचार्ज होंगे। ओके सर। पर तुम रहोगे कहाँ? क्वार्टर्स तो अभी खाली नहीं है। हॉस्टल में रह लूंगा सर। ओके 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 सर। ए, तू कौन है रे? बोल। नया हाउस सर्जन हूँ, आज से ज्वाइन हुआ हूँ। हाउस सर्जन है तो वहीं रहे, हमारे बीच में टांग मत अड़ा। फटे में टांग अड़ाना मेरी आदत नहीं है, और मुझे जूनियर समझने की कोशिश मत करना। जो करने आके कर ले, चल। और तू खुद भी हमें जूनियर समझने की भूल मत कर। जो भी हो, मुझसे क्या मतलब है? अरे मतलब नहीं था तो हमारे बीच में आया क्यों था? ए, क्या है ये? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या लफड़ा कर रहे हो तुम लोग? इस साल अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई तो याद रखना, तुम्हें कॉलेज से निकालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि इस साल मुझे कोई नफरा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। फिर शुरू हो गए, इधर उधर आवारा की तरह घूमते रहते हो तुम लोग। अरे भगवान का शुक्र बनाओ कि तुम लोग अभी तक इस कॉलेज में हो। बेवकूफ कहीं के, लगता है तुम लोगों को कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को सुधार के रहूंगा। जाओ यहां से, आज के बाद कोई नफरा करते हुए नहीं दिखना चाहिए। जाओ। तुम जरा इन लोगों से सावधान रहना, क्रिमिनल्स हैं, इडियट्स, रास्कल्स। ए, तुम लोग यहाँ के जूनियर स्टूडेंट हो, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा तुम लोग अपना टॉवल निकालो, तब भी तुम्हें वो टॉवल निकालना पड़ेगा। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम छोटे है। तो सुन ले छोटे, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सबके सामने तेरी चड्डी उतार के नंगा कर दूंगा। मतलब डॉक्टर लोगों को तो किसी भी हद तक जाना पड़ता है, समझा? मतलब कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। ये कैसा साइन है? तेरा नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम? आज से तेरा नाम आत्माराम नहीं, सिर्फ आत्मा, समझा? क्या ठीक है सर? क्या आत्मा? हाँ आत्मा। तेरी आवाज से तेरी बॉडी तो मैच नहीं करती। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है, तेरा नाम जो भी हो, पर आज से तेरा नाम रहेगा प्राणनाथ।
आत्मा और प्राणनाथ क्या होगा? आत्मा और प्राणनाथ। इन सबका थोड़ा ज्यादा ही ओवर साइज है, कबर चढ़ाओ, जल्दी करो। ज्यादा परेशानी हो रही तो चलो हाथ उठाओ। ए, तू आज से मेनका और तू रंभा, और मैं हूँ स्वर्ग लोक का इंद्र, जिसके सामने तुम लोगों को नाचना पड़ेगा, समझ गए ना तुम लोग? मैं डांस तो आता नहीं। तो फिर एक काम करो तुम लोग, तो ये अपने कपड़े खोल कर तुम लोग स्टेशन जाओ और एक पैकेट सिगरेट लाओ। हम लोग क्या बोलते तुम लोग? कर लेंगे भाई। हाँ, तो चलो हमारे सामने नाचो और गाओ। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। अरे नाच नाच नाच। अरे अरे ऐसे करो, ऐसे क्यों भाई? वैसे नहीं, इस तरह। नाच मेरी बुलबुल, अरे नाचना बुलबुल। मेरे भाई मेरे बहनों, इन दो को बस मुझे दे दो, बाकी सबको ले जाओ। इन्हें तो बाद में देख लेंगे। ये बता, रोहित मेनन का रूम कौन सा है? बी टॉप में। चलो। लगता है आज उसका बैंड बजने वाला है, मैं भी चलकर देखता हूँ। ए, दरवाजा खोल। हम सब लोग तुझसे मिलने आए हैं। हम सब तेरे साथ जश्न मनाने आए हैं, मनाएगा क्या? देखो, मुझे किसी से पंगा नहीं लेना है और मुझे इसका शौक भी नहीं है। सुबह की बात आप लोग भूल जाओ प्लीज। पर हम वो सब नहीं भूले। मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है ही मैन? अगर तू कुछ कर सकता है तो वो करके दिखा। सतीश प्लीज। सुबह तो बड़ी ताकत दिखा रहा था, अब दिखाना ताकत। और उसके लिए तेरे बाप का होना जरूरी है, लेकिन वो तो इसके साथ है नहीं। हाँ सतीश, सतीश, सतीश छोड़ो उसे, सतीश प्लीज, सतीश छोड़ो उसे, सतीश क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे, बस हो गया। This is last warning. Idiot. छोड़ेंगे नहीं तुझे भाई। ये वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो कुछ भी करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तुम उन्हें उकसाओ मत, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बेवकूफ, अगर किसी ने हाथी का अंडरगार्मेंट्स बिना नाप लिए सिया तो नतीजा यही होगा ना। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, पर वो इस पद को पाकर दुखी है। ए रघुवरन, अरे क्या कर रहा है? मंत्री जी निकलने वाले हैं। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? देखो भाई, हम वैसे लोगों में से हैं जो रोशनी की चमक दमक से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन वापस अपने घर पहुंचते ही वे लोग अपनी औकात में आ जाते हैं। तुम्हें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। मैं एक साल के अंदर सबको दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूँ, समझ गया है तू? मेरे प्यारे लाल, हम लोग कल से सेक्रेटरिएट और मुख्यमंत्री आवास आगे से देख भी पाएंगे या नहीं? क्यों रे, किस वक्त बुलाया था तुझको? अभी आ रहा है। ए, हट रहे। अरे तूने देखा देखा, उसने मुझे कितनी इज्जत दी। हाँ, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। तो तुमने आखिर में क्या फैसला लिया है? ये फालतू का काम नहीं है। इसका तुम्हें फायदा भी मिलेगा। मुझे कुछ भी फायदा नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किशन जी, टॉयलेट में मोबाइल कैमरा लगाना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है ना? ओ, ऐसा क्या? सॉरी सर, इस मैटर में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देख, फालतू की बकवास मत कर, मैं उससे प्रॉमिस कर चुका हूँ। हाँ, मैंने भी उससे प्रॉमिस कर दिया। सारी मीडिया और शहर के सारे लोग इस बारे में जानते हैं और मिनिस्टर को भी ये पता है। मिनिस्टर को क्या पता है? किशन जी, तुम्हें वही करना होगा जो ये कह रहे हैं। मिनिस्टर तो बहुत कम कुर्सी पर बैठते हैं, बाकी तो यही बैठते हैं। चुप कर। तू कौन होता है बात करने वाला? सुनो, तुम्हें करना होगा चाहे वो जैसे भी हो। मेरी सर्विस सिर्फ 32 साल की है, 3 साल बाकी है। लाइफ में मैंने गैर कानूनी काम नहीं किया तो कैसे करूं? मिनिस्टर भी ऑर्डर करेगा तो भी गलत नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूं सर। ए, रोक। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। बेटा। सर, तुमने किसे मारा, जानते हो ये कौन है? कोई बात नहीं सर, इन्हें कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरा भी इन्हीं के उम्र का एक बेटा है सर। सर, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। क्यों तू? अजी, ये सब अपने क्या बेटे है? से पूछो, यही बताएगा तुम्हें।
इसने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को यही मेरे सामने मारा है। इसी ने प्रॉब्लम खड़ी की है। जरा धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। मुझे आज मीडिया के सामने सर झुकाना पड़ा है और उसका कारण सिर्फ यही है। अगर तूने दोबारा ऐसा कुछ किया तो लात मार के घर से निकाल दूंगा। तो निकाल दो ना। देखो, मेरे साथ अपनी कमेटी के निचले सदस्यों जैसा व्यवहार मत करो। वो डरते होंगे पर मैं नहीं डरता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखा इसे? मैं तो देख ही रही हूँ। आप उसके सामने पुलिस वालों को बेइज्जत करते थे, तभी मैंने आपको कितनी बार समझाया था। अब भुगतो। अरे कल रात की पार्टी में तो मजा आ गया ना। हाँ, ऑफ कोर्स। रागिनी देख, ए सतीश, यह फालतू की लड़ाई मत करो यार। कल जो हो गया सो हो गया ना। जब भी उसे देखता हूँ तो बोलो तो यही फोड़ दूँ उसे। छोड़ना यार, लफड़ा करने की क्या जरूरत है? जब वो आएगा तब देखा जाएगा। हाय। हाय। आई एम अमला। मैं रोहित, रोहित मेनन। हमारा साथ आना उन्हें पसंद नहीं आया। देखो कैसे घूर रहे हैं। उसकी हिम्मत तो देखो। वो तो ठीक है, पर अमला को तो देखो। उसका सारा घमंड उतार दूंगी। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, मे आई रिमाइंड यू वंस अगेन, ये जो डेड बॉडीज तुम्हारे सामने यहाँ रिसर्च के लिए टेबल पर रखी हैं, वो पवित्र हैं। तो आप सब लोग यहाँ जितनी डेड बॉडीज रखी हैं उनका पूरी तरह सम्मान करो, विद मैक्सिमम रिस्पेक्ट। गॉट इट? ओके, नो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है सर? हमें सर अमला से मिलना है। गो अहेड। थैंक यू सर। क्या बात है सर? अमला इज माय कजिन। अमला की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है और जरा उससे मिलना था। ठीक है, मिल लो। ओके। हेलो। ए मुझे दो, उस टेबल पर जाओ। तुम चिरफाड़ क्यों नहीं कर रही हो? मुझे डर लगता है। ओ, डर लगता है? कम ऑन स्टार्ट। मैं अगली क्लास में डिसेक्ट करूंगी। नथिंग डूइंग, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। चल शुरू करो। शुरू करो। डिसेक्शन टेबल पर तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। शुरू करो। तुझे होम साइंस की पढ़ाई करके घर में बैठना चाहिए था। चल शुरू करो। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, कहा ना। तू चुप कर, क्यों लड़ रही है? यहाँ से नहीं करेगी। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। डिसेक्शन लैब इज अ होली स्पॉट एंड नेवर एवर ट्राई टू रिपीट इट। सर मेरी बात सुन। आई सेड गेट आउट। तो तुम ही से इसकी शुरुआत हुई है। And if you ever try to repeat it, mind you, this is the first and the last warning. Clear out. आ रही है। क्या बात है? You won't obey your seniors, हाँ? मुझे वैसा करने से डर लगता है। अच्छा। तो तूने यहाँ मेडिकल क्यों ज्वाइन किया? सीनियर्स की बात माननी पड़ती है। तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं तुझे? रुक जा। हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? Come on, pick up. कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ मुझे जाने दो। तू कहाँ जा रही है? ऐसी ऐसी कौन सी जल्दी है तुझे? तुझे लेबर पेन हो रहा है क्या? चल चल जल्दी, चल चल ना, छोड़ो मुझे। देख तो आनंदी से, लग रहा है इसे लेबर पेन हो रहा है। क्या ये बात है? तुम उसे कैसे मैनेज कर रही हो? अरे टाइम नहीं है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो। क्या हुआ? ले आ गया। क्यों बेटा अभिषेक, बचाएगा तू अपनी ऐश्वर्या को? तुझे क्या चाहिए? तू यहाँ क्यों आया है? तू हमेशा इसके पीछे पीछे क्यों लगा रहता है? सही सही बता, कौन लग? यू माइंड योर लैंग्वेज। उंगली नीचे करके बात कर। अमला चलो। रुक। अबे रुक, रुक, रुक। बिना लड़े ही जाएगा। तो लफड़ा मत कर। अबे मैं लफड़ा भी करूंगा तो क्या कर लेगा तू? क्या हुआ? क्या बात है? छोड़ा सर। सर ये आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर इसी से पूछ लो ना, क्या बात है? तुम जाओ यहाँ से। सर हाँ? चलो। सर ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। रास्कल, तमीज भूल गए हो क्या? अपने बाप से बात नहीं कर रहे हो तुम? इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि तुम लोग सड़क छाप गुंडे हो। सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तुम लोग इस तरह की नीच हरकतें करते रहते हो हमेशा। सर आप चुप। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी बदतमीजी की, यू विल बी किक आउट फ्रॉम दिस कैंपस। तुम ही नहीं, जो भी इसमें शामिल होगा वो। अगर आपका मतलब मुझसे है तो डायरेक्ट मुझसे बात करो। अरे
तुमसे तो बात करने में हमें डर लगता है भाई। अपने पावर से और तुम्हारे साथ जो कुत्ते घूमते हैं उनके सहारे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने आगे से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो तुम लोगों के माँ बाप जो तुम्हें डॉक्टर की तरह देखना चाहते हैं कंपाउंडर की तरह भी नहीं देख पाएंगे। आई विल वेट ओनली फॉर दिस वन ईयर, जस्ट दिस वन ईयर। मुझे तुम लोग इतना मजबूर मत करो कि मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊं। तुम लोगों को आखिरी बार समझा रहा हूं, बेवकूफ कहीं के। लगता है अब इसका ऊपर जाने का टाइम आ गया है। ए, वो सब छोड़। ए सतीश, आज ही तुझे उसकी हीरोगिरी उतारनी पड़ेगी। तूने देखा वो कैसे चला गया? अरे देख लेंगे उसे। फ्रेशर्स डे के दिन प्रिंसिपल की प्रेशर की वजह से वो कुछ परफॉर्म करने वाला है। ये उसका इस बार आखिरी परफॉर्मेंस होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सतीश, वो दोनों तो अब इस कॉलेज में नहीं रह पाएंगे, वो सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ, ये काम तो सिर्फ जो ही कर सकता है। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। असीसिया मेडिकल कॉलेज के गौरव सिनेराज प्रस्तुत करने वाले हैं कालिया मर्दन डांस। अरे ये सब ड्रामा स्टेज पर जाकर दिखाना। अरे देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे रिहर्सल करने दे। मेरा आभूषण किधर है? अरे भाई, इसे और गहने और आभूषण पहनाओ। पहनाओ मुझे। क्यों भाई, आखिरी साल है, पास हो जाओगे? चुप रहने, तो एक खींच के दूंगा। मैंने उसके ऊपर तरस खा के उसे ही पहले नंबर पर रखा और खुद को दूसरे नंबर पर। पहले रोहित का गाना, फिर मेरा डांस। अगर ये आइटम आखिर में परफॉर्म किया जाए तो वो अपना आपा खो के लात मार के मुझे बाहर कर देंगे। ए परांगंडी, क्या? हाँ कृष्णा की वो सुरीली बांसुरी लेके आ। अरे वो बांसुरी, बांसुरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बांसुरी नहीं मिल रही है। अरे मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ। क्या बताऊँ, तुम सब लोग मिल के एक बांसुरी नहीं संभाल पाए। सभी लोग वहाँ बांसुरी खोज रहे, मोटा यहाँ बांसुरी बजा रहा है। अबे भैंसे, इधर ला बांसुरी। बांसुरी कृष्ण भगवान के, तू उठा ला यहाँ पे। ब्लडी भाई, अबे तेरी तो बजाने दो ना। क्या नौटंकी है ये? सर, कालिया मर्दन का स्टेप मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ। इस बार भी तुम ही कर रहे हो? अरे कितने साल तक करोगे, किसी नए को मौका दो। ऐसी बात नहीं है सर, मैं मौका दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मौका दोगे। सर, अगर तुम इस कॉलेज को छोड़कर चले जाओगे तो फिर कालिया मर्दन का पात्र कौन निभाएगा? एकदम सही कहा सर। अगर आपने एक बार कॉलेज में इलेक्शन भी करवा दिया तो भी इस कालिया मर्दन के पात्र के लिए मेरी ही विजय होगी। आपके यहाँ ऐसे महान कलाकार की कदर ही नहीं होती है। तू जीवन भर मर्दन ही करता रहेगा। सर सर, कम से कम आप तो आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। आपकी फाइल खुली है। नॉनसेंस, क्या देख रहे भैसे, चल यहां से, मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया। वेट 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 वेट, अच्छा अच्छा अच्छा, कम ऑन। Hey, चली जा, वो आ रहा है। चलाना शुरू कर। हेल्प हेल्प मी। क्या हुआ, हुआ क्या, क्या बात है? सर मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा बताओ तो सही क्या बात सर। आप बोलो, अरे बोलो तो सही, आप आइए सर। ये क्या है? हटो हटो, रास्ता छोड़ो, हटो हटो। व्हाट्स द मैटर सर? रोहित मैनन एक लड़की के साथ बाथरूम में घुसा हुआ है सर। ये बाथरूम बाहर से किसने बंद किया? मैंने किया सर, और लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए। यहाँ दरवाजा खोलो सर। अरे ये तो अमला है, क्या हुआ था? किसी ने मुझे धक्का मार के दरवाजा बंद कर दिया सर। झूठ बोल रही हो, तुम और रोहित दोनों साथ अंदर गए थे। यहाँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? ये झूठ है सर। तो क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? मुंह बंद करो, जो देखना है मैं देख लूंगा। सर मेरा कालिया मर्दन डांस वो यही है सर। कहाँ गया?
सर क्या हुआ सर? वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये इस सेलिब्रेशन को खराब करने की कोशिश थी किसी की। आप सभी लोग ऑडिटोरियम में जाएं। प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा। सर, चलो भाई चलो। मर्दा डांस कहाँ करो? मेरे सर पे कर दे तू। हाँ चलिए सर। ये सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम में ऐसा करता है। अगर इसने आज मेरे कालिया मर्दा डांस नहीं करने दिया ना, भगवान इसे माफ नहीं करेगा। कितने दिनों से मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं परफॉर्म करके ही रहूंगा। हाँ परफॉर्म करके ही रहूंगा। नॉनसेंस। सुन प्लीज मेरी बात तो सुन। कहाँ जा रहा है तू? जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? देख यार गलती से हो गया ये सब। तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे बात तो सुन मेरी। प्लीज मुझे छोड़ दे। देखो जो मेरी बात सुन, ये सब अच्छा। ये बात इसे पता होना चाहिए, मैं इसका नौकर नहीं हूँ। अगर हमारा ग्रुप बिखर गया तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ये बात मुझे नहीं समझाओ, इसे समझाओ। सतीश तू इसे सॉरी बोल। मुझे नहीं चाहिए इसकी माफी। ये मेरा बाप है जो इसने मुझे इतने लोगों के सामने तमाचा मारा। बोलो, सब कुछ यही सोचता है, सब कुछ यही डिसाइड करता है। ये है कौन? मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, उससे ज्यादा मैं इसके लिए करता हूँ। इसीलिए इसने मुझे अपना नौकर बना रखा है। हद हो गई, कमीनगी की तो हद हो गई है। मैं तुझे मार सकता था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं है। अगर मुझे मारने से तेरा गुस्सा शांत होता है तो मैं तैयार हूँ। चला चल, मुझे हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स के सामने तू मार ले। देखिए सारे कॉलेज को पता है पर किसी ने मुंह नहीं खोला। सारा नाटक हमने किया था मगर फेल हो गया। मैं अपना आपा खो बैठा, मेरी भूल थी, मैं मानता हूँ। इन सब बातों का जिम्मेदार वही है। वो अब इस कॉलेज में बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आप बातें बंद करो और कुछ सोचो उसे इस कॉलेज से निकालने के बारे में। जाएगा, वो इस कॉलेज से जरूर जाएगा, ये सतीश का वादा है। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? ठीक है भाई, मैं अच्छे से मालिश करता हूँ। भाई सॉरी भाई। कोई इस तरह से तुम्हारे सामने लेटेगा तुम्हें मसाज सिखाने के लिए, पता नहीं तुम लोगों ध्यान किधर है। चल भाग। अबे इस तरह से मत खींच, दर्द हो रहा है साले। अरे सॉरी भाई, सर खींच के दूंगा भैसा कहीं का। अगर आदमी धीरे धीरे मसाज करे तो पत्थर का भी मसाज कर सकता है। ए, चल इधर बैठ। फोन अटेंड करने के लिए मैं बैठा हूँ ना भाई। भाई फोन तो उठाइए, पता नहीं किसका है। कौन? हेलो, कौन हो तुम? मैं अमला बोल रही हूँ। अमला कौन? अमला हो तुम? फर्स्ट ईयर की। अमला, मैं तुम्हारा यहाँ का सबसे बड़ा भाई हूँ। क्या आप मेरे लिए रोहित को बुला सकते हैं, जो हाउस सर्जन है? ओ रोहित, ठीक है उसे बुलाता हूँ। ए प्राणनाथ जी भाई, जाकर रोहित को बुला के ला। जी भाई। तब तक मैं ही बात करता हूँ। वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, अभी वो अपनी पत्नी से फोन पर बातें कर रहा है। क्या रोहित शादीशुदा है? अरे ये तो अच्छा क्वेश्चन है शादी। अरे वो तो 4-5 बच्चों का बाप भी है। अरे तुम सच कह रहे हो? अच्छा तुम ये बताओ मेरे जैसे बैचलर के बारे में क्या ख्याल है? उसकी तो शादी हो गई है। वो आगे देता हूँ। कौन है? एक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली लड़की है। मैंने बोल दिया तुम बाथरूम में नहा रहे हो, बात करो। हेलो रोहित, आई एम अमला। क्या बात है अमला? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या काम है? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आज शाम कॉफी शॉप में आ सकते हो? मैं आज घर जा रहा हूँ। रास्ते में जाते समय मिल लेना। कोशिश करूँगा मैं। कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा। हेलो 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 रोहित, एक मिनट। हम लड़कों को लड़कियों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। लड़कियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ये बात हमें समझनी चाहिए। लगता है वो मुझसे डर के यहाँ से भाग गया। इस हालत में आपको देखकर कोई भी डर जाएगा। नीचे देखिए, आपने चावल पहने ही नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहित, मैंने नापी है। यस, ये फूल आपके लिए। ये लो। हाँ ठीक है, बाय। ओके ओके डन। क्या हुआ? तुम उससे मिलना क्यों चाहती थी? अमला चुप क्यों हो, बोलो ना। अमला तुम मुझे क्यों चीट कर रहे हो? छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमेशा मेरे साथ इतना प्यार का नाटक करते रहे, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े झूठे हो। तुम अमला से प्यार करते हो, ये बात तुमने मुझसे हमेशा छिपाई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो तुम हो। छोड़ो, छोड़ो। अच्छा तो ये तुम लोगों का गेम प्लान था। अच्छा, बहुत अच्छा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा। बेटा जब से तू यहाँ आया है तेरी सारी हरकतें उस कैमरे में कैद है। इसे बस थोड़ा सा एडिट कर दिया जाएगा और तब ये तुम्हारे खिलाफ एक पावरफुल बम बन जाएगा। कल हम इसे प्रिंसिपल को दिखाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। हम लोग तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल कर ही रहेंगे, देख लेना। ओहो, ये सब तुमने इसलिए किया? अगर तुम लोगों ने अच्छा प्लान बनाया होता तो शायद कामयाबी हो जाते। ये तो नर्सरी के बच्चों का प्लान था। तुम्हें मेडिकल में किसने एडमिशन दिलाया? रोहित मेनन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। सतीश, दुश्मन ताकतवर हो तो सिर्फ लॉजिक ही नहीं, अक्ल भी चाहिए। अपना ये रिकॉर्ड अपने पास ही रखो, बाद में काम आ जाएगा। तुम सब अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, अगर संभल जाओ तो अच्छा होगा। तू हमारी चिंता करना छोड़, जरूरत पड़ने पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तुम्हें हराने के लिए कुछ भी करेंगे। देख क्या रहा है, जाए उसे। तूने उसे मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने उसे मारा? नहीं छोड़ूंगा इसे मैं, हीरो बना है ना, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। क्या समझता है तू अपने आप को, हीरो बनेगा? ये क्या जो?
जो कुछ हुआ वो सब इसमें रिकॉर्ड है। रोहित मेनन की मौत का बस यही सबूत है। हम लोग इसे अपने पास रख लेते हैं। अगर हमें से कोई भी ये सोच रहा है कि वो अकेला बच सकता है तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो इसे तुम अपने पास रखो। ओके। सतीश, अब हम इसका क्या करेंगे? गाड़ देंगे, रात में हम इसे गाड़ देंगे। निकाल, सामने पुलिस खड़ी हुई है। कुछ कर ना यार, ये क्या कर रहा है तू? हेलो यार, वो हमें देख रहे हैं। क्या बात है? हॉस्पिटल रोड पे चेकिंग हो रही है। ओह शिट। सतीश क्या हुआ? बस तुम दो मिनट तक उन्हें बाद में उलझा कर रखो, मैं आ रहा हूँ। ओके सतीश, दो मिनट में आ रहा है। हाँ सर, एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, इशारा करने पर भी नहीं आ रही है। अरे तू चल, क्या करे यार, अब तो फंस गए। ठीक है एक काम कर, तू बैठ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा, जाना। तुमने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है? सर गाड़ी में कौन है सर? बोलता क्यों नहीं? अरे बताते क्यों नहीं? वो मेरा फ्रेंड है सर, हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट है सर। ओ मेडिकल स्टूडेंट हो, तो ये बताओ गाड़ी में क्या रखा है? कुछ नहीं सर। तुम लोग स्मगलिंग करते हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। इंस्पेक्टर जाओ गाड़ी चेक करो। सर सर कुछ नहीं सर, बहुत कुछ नहीं सर। सर मेरी बात सुनिए। सुधाकर छोड़ दो इसे, ये मेरा दोस्त है। अरे तुम इसके साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो? ये बात इन्हें पहले बतानी चाहिए थी सर। ये लोग गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सुधाकर हम लोग एक पार्टी अटेंड करके वापस आ रहे हैं, उसने ज्यादा पी रखी थी, शायद इसलिए वो गाड़ी नहीं रोक रहा होगा। सुधाकर उसे जाने दो। तुम लोग सब अंदर बैठो, चलो चलो चल बैठ। हाय हाय, बोलो तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? सतीश एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कल जब रोहित आया था तो उसके साथ बैग नहीं थी क्या? बैग था? हाँ हाँ, तो जब वो आया था उसके पास बैग थी। बिल्कुल सही है, जब वो आया तो उसके पास बैठा था। पक्की बात है? एकदम पक्की बात, मुझे भी याद है ये। सतीश क्या वो सबूत उसे मिल जाएगा? अब हम क्या करेंगे बोलो? हम क्या करेंगे, हमें होटल जाके लाना पड़ेगा। सिंपल। वेलकम सर। सर दो कप कॉफी। आप सिर्फ कॉफी ही लेंगे? हाँ। आपको वो बैग नहीं चाहिए? बैग? अरे सुनो नौजवानों, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने आप लोगों को उस रात डेड बॉडी को होटल से बाहर ले जाते हुए देखा था। अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खुद ही तीन लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। लेकिन एक बात है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बोल बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बोलो। अरे रे मैं कितनी बार बोलूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मोल भाव करना नहीं आता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हाँ आप लोग बस एक छोटा सा काम कीजिए, मुझे 25 लाख रुपए दे दीजिए। क्या? कितना? 25 लाख चाहिए? क्या आप उससे ज्यादा देंगे? मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप सोच क्या रहे हैं मेरे बारे में? मुझे जिंदगी में किसी की हराम की कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। एक दो तीन चार पाँच
पांच लोग हैं, हर कोई पांच पांच देगा तो 25 हो ही जाएंगे। मुझे आप लोगों से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ये कितना धमकी दे रहा है हमें? अगर ये ज्यादा है तो रहने दीजिए, मैं इसके बिना मर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात सुन लो, अगर मुझे रास्ते में कोई पत्रकार भूले भटके मिल गया और उसने आपके बारे में कुछ पूछ लिया तो मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। क्या रे, तू हम लोगों को धमकी दे रहा है? हाँ, हमने खून किया है, ये सच है। बोल हमारा क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ सुन, दूसरा खून भी हो सकता है, समझा कि नहीं? फिर हमारे खिलाफ क्या सबूत रहेगा? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? क्या समझ रखा मुझको? तुम लोग बच नहीं पाओगे। ए, जितनी रकम तू मांग रहा है तुझे मिल जाएगी, समझा तू? आ गए ना रास्ते पर, इसके बाद दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? जहाँ हम बताएंगे वहाँ। कल रात इसी समय अपनी यात्रा के लिए तैयार रहना। एक बार तुम वहाँ पहुँच गए तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। ये सब बातें मुझे पहले से पता है, पैसा मेरे हाथ में आने दीजिए। तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, पूरे 25 ही होने चाहिए। देख के लगता तो है। हाँ ठीक है, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? तुम मेरे बैंगलोर के होटल में कुछ दिन के लिए रहोगे, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। ओके, ये लो, ये उसी मरने वाले का बैग है, ये होटल में दे देना। ए, सुन, तेरे साथ एक एमएलए भी जाएगा, पता है ना? अरे वो सब मुझे पता है, वो मुझसे भी बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र मत। अच्छा सतीश, एक बात बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस इसे वहाँ पहुँचा दो। इसने तो पहले ही 3-4 लोगों को मारा है, इसका क्या भरोसा है, तो मुझे भी मार सकता है। चल रहे, तुझे भी मारने का कोई इरादा नहीं है। फालतू की बकवास मत कर, चल गाड़ी में बैठ। चल चल आगे बैठ। अबे लगता है तेरे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब तो सारी बातें हो गई, अब मैं चलूं क्या? ओके। हे भगवान, मुझे इतने बड़े हरामी के साथ जाना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। ए, तुम्हारा नाम क्या है? रजनी। रोको रोको, छोटी बहन है। हाँ, रोको सर। गाड़ी रोको, झूठ मत बोल। अरे ये हमारी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? अरे रोक 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 गाड़ी रोक। मैंने तुझसे कहा था ना, तू मामला बिगाड़ देगा। अरे क्या कर रहा है तुम? गाड़ी मत बंद करना, ये हमारी मीरा रोड की मनीषा तो नहीं है? अरे ये तो वही लगती है, चलो देख। लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है, तू उधर मत जा। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? बखेड़ा खड़ा मत कर। ठीक है, तू यहीं बैठ। मैंने कहा था ना तुझसे, वो आ जाएंगे। क्या हुआ मनीषा? देखिए ना ये लोग कैसे हमें परेशान कर रहे हैं। अरे पुलिस वाले साहब, ये लड़की यहाँ पर खड़ी होकर क्यों नहीं बात कर सकती है, बताइए? इन लड़कियों को गाड़ी में आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। अरे रे 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 रे, तुमने ऐसा क्या गलत देख लिया है? तुम जैसा सोच रहे हो ये वैसी लड़की नहीं है, बल्कि अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। तुम इनको अपने शक का शिकार मत बनाओ। चलो मनीषा, इन पुलिस वालों से गलती हो गई थी। तुम्हारी छोटी बहन है क्या? जब मैंने इसे पिछली बार देखा था तो बहुत छोटी थी। हाँ जी, हाँ। अरे भाई छोड़ दो ना इनको, ये थोड़ा मुश्किल है सर, ऊपर से ऑर्डर है। जरा हटो तो मनीषा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ किसके हाथ में है? एक ऑफिसर का ऑर्डर बड़ा होता है या एमएलए का? बताओ मुझे, इनको तो साथ लेकर ही जाऊंगा। सर नमस्कार कमिश्नर साहब। वैसे है मेरा नाम केशव मनी, एमएलए। एक मिनट, क्या बात है? अरे गाड़ी तलाशी ली। मैं बताता हूँ सर, देखिए दरअसल बात यह है कि ये सभी मेरी फैमिली फ्रेंड हैं। इनको आपकी पुलिस ने किसी गलत फहमी के कारण रोक रखा है, बस यही बात है। सर लोगों ने गाड़ी की तलाशी ली और ये लोग आपत्तिजनक स्थिति में। पागल हो गए हो क्या? अभी हवा कितनी तेज चल रही है इसलिए इनके कपड़े इधर उधर हो गए होंगे, छोड़ दो इनको। सर आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। विजय कुमार, सभी को थाने ले चलो। ए, अरे चलो अंदर बैठो। तो क्यों समस्या खड़ी कर रहे हैं आप? मेरी बात मानिए और इनको जाने दीजिए। ये नहीं हो सकता, कल सुबह इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आप वहीं से इनकी बेल करा सकते हैं। अरे रे रे कमिश्नर, तुम क्या बोल रहे हो? केशव मनी कोई कोर्ट नहीं जाएगा बेल के लिए, मैं इनको यहीं पर छुड़वाऊंगा, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करो। ये सही रहेगा। विजय कुमार इन लोगों को जाने दो और सर को साथ में लेकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपनी औकात मेरा कमिश्नर, मैं यही तेरी वर्दी उतरवा सकता हूँ, मेरे पास आज इतनी पावर है और तू मेरे साथ ही चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है। मुंह बंद कर। अबे हट, छोड़ दो। चलो अंदर बैठो।
क्या तुम मथाई नहीं हो क्या? हाँ मैं ही मथाई हूँ। इस बैग में क्या है? बैग इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं। चेक करो। यस सर। अरे सर इसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने बैठा लिया। ये सच है सर? हाँ। मैंने इनको इशारा किया, इन्होंने गाड़ी रोक दी। हाँ। सर इस बैग में कैश है। मुझे कुछ नहीं पता है। चल बता बता। अरे यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी आखिरी बूंद तक निकालना होगा। अगर मार खाते वक्त मैंने पेशाब नहीं किया तो ये उनके लिए शर्म की बात होगी, मेरे लिए नहीं। अरे दरवाजा खोलो। क्या है? इसे जाकर बाहर रख दो। चल उसे वहां रख दे कोने में। अरे क्या इसे कोने में रख दूं? जब वो लोग मुझे यहाँ पर मारने आएंगे तो हो सकता है वो मुझे इसे पिला दें। क्या? मुझे इस तरह मत घूरो, मैं डर जाऊंगा। अरे 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 मथाई रेडी है सर, शुरू कीजिए, पर आपको बीच में मुझे 5 मिनट का रेस्ट देना होगा। अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। सच सच बता दो मुझे, रोहित मेनन के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। फिर रोहित मेनन का बैग तुम्हारे पास कैसे आ गया? वो मुझे सड़क पर मिला। तो फिर वो 25 लाख कैसे आए? सड़क पर मिले थे क्या? ये सबको पता है कि मथाई गरीब आदमी है, मथाई हमेशा सच बोलता है। ये मेरी सालों की जमा पूंजी है जो बड़ी मेहनत से कमाई थी, नहीं तो मुझे इतनी सारी दौलत कौन देगा? सच कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक स्टोरी बना देंगे कि आपने मुझे एक बड़े से खंजर के साथ पकड़ा और पत्रकार उसे बड़ा चढ़ा कर पेश करेंगे और आपको पब्लिसिटी मिलेगी। मधाई आसानी से सच नहीं बोलने वाला। मधाई मोहन बाहर इंतजार कर रहा है, अगर मोहन हाथों का इस्तेमाल करेगा तो बताना पड़ेगा। बुलाओ क्या? आपको जो करना है करिए। मोहन सर। हाँ? अरे ये तो अपने मारुति मोहन सर हैं। ये मेरी जुबान खुलवाने के लिए आए हैं। मथाई अभी भी वक्त है, जो बोलना है जल्दी बोलो। मथाई गरीब आदमी है, अगर मोहन सर मुझे मार भी डालेंगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं सर। क्या हमें मथाई को लेके मुर्दा घर जाना पड़ेगा? मोहन किसी को मारे तो आम बात है। सुनो मावेलकर पुलिस स्टेशन से हमें रोहित मेनन के डिटेल्स कलेक्ट करने चाहिए। सर वहाँ पर रेड्डी साहब हैं, उनको जाकर बोलो। सर सर कैरी ऑन। हेलो सर। हाँ मैं सतीश, क्या जल्लाद आया? सर अभी बस शुरू हुआ है। क्या मथाई कबूल कर लेगा? जल्लाद है सर, कर सकता है। उसे मेरा और मेरे दोस्तों का नाम बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर। क्या हुआ मोहन, वो जिंदा तो है ना? आप बस वहां जाइए, वो बोलेगा। मोहन सर ने मेरा पेशाब निकाल दिया, दुख हुआ। मैंने जानबूझकर ये टॉर्चर क्यों सहा? मैं सब बताता हूँ। बताइए मुझे। पर एक बात है, अगर मैं कबूल करके बाहर गया तो वो मुझे मार डालेंगे। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप उसका बाल बांका नहीं कर सकते, वो मुझे एक सेकंड में मार डालेगा। आप मुझे तब तक टॉर्चर कीजिए जब तक कि मैं मर ना जाऊं। चाहे कुछ भी हो मेरी मौत तो निश्चित है, इसलिए मैं सच बताता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। तो किसने मारा? वो मैं कैसे बताऊँ? बताओ। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बताता हूँ, पर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सब मैं देख लूंगा, तुम बोलो वो कौन थे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा तो आप जाके उसे पकड़ लोगे। मैं बताने जा रहा हूँ, पर मैं अगर आपको बता दूंगा तो बता दूंगा। मथाई, 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 क्या हुआ? मथाई सर वो उड़ो बेहोश हो गया है सर, हॉस्पिटल ले चलो।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। क्या तुम अभी भी पुराने तरीके से ही टॉर्चर करते हो? शरीर का कोई हिस्सा चोट से खाली नहीं है। सच बुलवाने का और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, वो तो है। अरे ऐसा है, वो अभी वो खतरे से बाहर है, पर दो दिन तक तुम्हारी पूछताछ नहीं हो पाएगी। बस यही बात है ना। यस। ओके। वो कैसा है सर? खतरे से बाहर है। प्रिंसिपल से मुलाकात की? रोहित मेनन का एड्रेस और डिटेल्स कॉलेज से कलेक्ट कर लिया सर। हॉस्टल से उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया सर। कम मैं हूं कमिश्नर सुदीप, आप रोहित मेनन के फादर। मैं रोहित मेनन के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूं। अंदर आइए। दो दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया था। उसके पास से हमें दो बैग मिले थे, उसमें से एक रोहित का बैग था जिसमें से उसके कुछ कपड़े मिले थे और कॉलेज से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। मेरी पत्नी? हाँ। रोहित यहाँ है? नहीं। तो फिर कहाँ है? नहीं पता। वो बिना पूछे ही आपसे कहीं चला जाता है। अब हमें वो कहाँ मिलेगा? सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। पिछले शुक्रवार के बाद वो कॉलेज में नहीं आया है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? आप किस रोहित मेनन की बात कर रहे हैं? बैंगलोर से MBBS किया था, रिटायर्ड हेडमास्टर कृष्णा मेनन और इंद्र मेनन का बेटा। ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी। ये पेपर और डिटेल्स तो सही हैं, पर ये हमारा बेटा रोहित नहीं है। ये है हमारा बेटा। सोलह महीने पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मणिपाल में मारा गया था। लेकिन वो तो सर, प्लीज। सॉरी सर। तो फिर मैं चलता हूं। ये क्या है सर? इस रोहित मेनन को प्रिंसिपल ने आइडेंटिफाई किया है। हाँ, तय सचो। लेकिन इस सच्चाई में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या प्रॉब्लम है तेरी? जब से तू कॉलेज से आई है तब से तेरी कमेंट्री शुरू है। एरिया कमिश्नर सुदीप हरिहरन को तू नहीं जानती, उसने केस ले लिया तो? अगर उसने छानबीन शुरू कर दी तो हम सब लोग जेल में चले जाएंगे, और क्या होगा? मेरा ये मतलब नहीं था। देख, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। डरा रही है? डरा नहीं रही हूँ, सोचा। मैंने उसे देखा है। किसे?
रोहित को। मैंने उसे कॉरिडोर में देखा है। अरे तुम ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले साल तुम डॉक्टर बनने वाली हो और कह रही हो कि तुमने भूत देखा है। लगता है उसे तुमसे प्रेम हो गया है, इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। देखो आनंद, इसका मजाक मत उड़ा। और सतीश, वो जो कह रही है उसमें कुछ तो सच्चाई। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी रोहित की आत्मा। चुप कर। रोहित की आत्मा, उसका नाम यहाँ दोबारा मत लेना। तुम्हारी बातें सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। मथाई वापस होश में आ रहा है और वो लोग उसे 2-4 दिन में यहाँ से वापस ले जाएंगे। जब सुदीप उससे पूछताछ करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। मैं जाके मथाई से मिल लेता हूँ। ए, नहीं रहने दे, ये रिस्की है, वो मुझे अरेंज करना होगा। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। इसी वजह से वो लड़कियां तेरे पास नहीं आ रही थी। चल चल कर। अरे देखना, अब सब आएगी। सुन, आज की रात तू यहीं रुक जा, कल सुबह उठ के चले जाना। मैं सुबह सुबह उठ के तेरे बाप का गुस्से से भरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी कंडीशन में गाड़ी चला लेता हूँ। तो जा, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट भाई। क्या हुआ? वो क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बोलना। वो क्या है कि अगर मैं तुझे अभी बताऊंगा तो सोचेगा कि पी के ऐसा बोल रहा हूँ। मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा। क्या बात है, बताना। बात यह है कि ज्योति ने जो कुछ भी कहा रोहित के बारे में, उसे तुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तू पूरी तरह टाइट है। चल जा, चल गई तुझे। तू विश्वास मत कर, पर बात वैसी ही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातों में सच्चाई है। तू ये क्या भैकी-भैकी बात कर रहा है? भाई, कल मैं तुझे सारी बात डिटेल में बताऊंगा। अब चलता हूं। गुड नाइट। कौन है वहां? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कौन है वहां? ए, रुको 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 रुको।
आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। रो मत। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? अरे मुझे क्या पता, हाँ कल जाते समय वो मुझसे कुछ बोलना चाहता था। वो आत्महत्या नहीं कर सकता, मुझे यकीन है किसी ने उसका मर्डर किया है। आनंद, ये सब कुछ रोहित मैंने ने किया है। बंद करो ये रोहित, रोहित मेरे सामने उसका नाम दोबारा मत लेना। हम लोगों ने उसे मार दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मर चुका है वो हमारे लोगों को मारे। यार तुम उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हो सकता है कि रागिनी सही कह रही हो और रोहित मेनन अभी तक जिंदा हो। आनंद चल, चलो चलकर कंफर्म करते हैं। यकीन हुआ तो फिर जो? हाँ उसने यकीनन आत्महत्या की है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं? देखो अब तुम हमारा दिमाग खराब मत करो। ए, मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को बंद करो, समझ में आया? हाँ। आनंद वो वीडियो कैसेट जो के घर में है, रोहित की मौत का बस वही एक ही सबूत है जिसे हमें कल ही किसी भी तरह लाना होगा। आओ आओ सतीश, ज्योति नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मम्मी से मिलकर आती हूँ। ठीक, बैठो। तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसा कर भी सकता है। क्या कहूँ, सबूत तो उसी तरफ इशारा करते हैं। जो भी यहां मिलने आता है बस यही सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं जवाब दे दे के थक गया हूं। वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, फिर भी चला गया। आंटी, आंटी रोना बंद कीजिए। मेरा बेटा,
मैं ज्योति को लेकर आऊंगा, अगर हो सका तो कल ही। अपने आप को संभालिए। आंटी हम लोग चलते हैं। मम्मी अब हम लोग चलते हैं, कल आपसे मिलने फिर आएंगे। हम चलते हैं। ठीक है चलते हैं। बाय सतीश। हा? मैंने डीजीपी को कंप्लेंट दी है, तुम जरा देख लेना। ठीक है संभल के जाना। मंत्री रामकृष्ण जी का बेटा नहीं था क्या वो? हाँ वो दोस्त थे। मैं जानता हूँ, इन चारों के अलावा और कोई जो के फ्रेंड्स हैं क्या? मैं सिर्फ इन्हीं को जानता हूँ। जो ने आत्महत्या नहीं की ये आप कैसे कह सकते हैं? जी आत्महत्या करने के लिए कोई खास वजह नहीं थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या वो खुलकर आपसे सारी बातें शेयर करता था? कहीं जो की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? क्या आपको किसी पे शक है? क्या नहीं, किसी पर शक नहीं है। इसका मतलब कोई है जिसे आप नहीं जानते हैं? नहीं सर। एक उसूल है, मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलते, पर आपको यह बात पता है ना कि इसके जितने भी क्लासमेट हैं वो इसके बारे में अच्छा नहीं बोलते। जो के खिलाफ कितने क्रिमिनल केस थे जानते हैं? कृष्णानंद 5 साल में 8 क्रिमिनल केस। जो का कमरा दिखाइए। ऐसा लगता है किसी ने पहले ही कमरे की तलाशी ली। तो फिर तलाशी लेने के लिए बचाई क्या है सर? इसका मतलब वो लोग जो के माँ बाप से मिलने नहीं आए थे। साल से कॉलेज में निकल नहीं पा रहा है। कालिया मर्दन ने क्या अच्छा रोल किया है। जय हो। जय हो। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। पुलिस उतार। मुझे नीचे उतारो। नहीं भाई आपके पैर सही नहीं है, कैसे उतारूं? मेरे पैर ठीक हो गए, अब मैं आराम से चल सकता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे इस तरह मत उठाया करो। फिर आप अभी नहाना नहीं चाहते? मैं बाद में नहा लूंगा। रैगिंग हो रही है सर, नीचे उतारो। ओके सर। चल नीचे उतर। इधर आ। मुझे उतारो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। रैगिंग हो रही है, तेरा नाम क्या है? डॉक्टर सिनेराज MBBS। क्या? पुंडरी पाद्रम, यहाँ हर कोई मुझे इसी नाम से बुलाता है। रैगिंग करने की सजा जानते हो? हाँ जानता हूँ, 7 साल की कैद और 7,000 रुपया जुर्माना। वो तो कोर्ट में है, उसके पहले पुलिस क्या खातिरदारी करती है? हाँ भी जानता हूँ कि आप लोग वॉल ट्यूब पंचर कैसे करते हैं। वॉल ट्यूब? यहाँ तो हम सब उसे वॉल ट्यूब ही बोलते हैं सर। तुम रोहित मेनन को जानते हो? वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और ये जगह छोड़ दी है। वो पूरा फ्रॉड है सर। हाँ जाने से पहले उसने सतीश आनंद और जो जैसे कुछ मासूम लड़कों को मारा था सर। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे भी मेरा हिस्सा मिल गया होता। तो डॉक्टर सिनेराज जी एक बार हम लोगों को फिर से मिलना पड़ेगा। ओके सर। आनंद का रूम कहाँ है? उधर जाइए सर, उधर जाइए सर। मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ मिलेगा। अब क्या करना चाहिए भाई? एक दो मसाले चुप सर। तुम जो से आखिरी बार कब मिले थे? उसी दिन शाम को। कहाँ पर? यहीं पर। कितने बजे? मेरे ख्याल से 6 बजे होंगे। उसके बाद तुमने उसकी डेड बॉडी देखी राइट? हाँ सर। उस दिन पार्टी में गए थे ना? हाँ गया था। तो तुम उससे पार्टी से लौटते वक्त मिले थे? हाँ सर। उसके बाद तुम लोग हॉस्टल आए थे ना? नहीं। तो फिर कौन आया था? अनु और रागनी मेरे साथ थे। आमतौर पर सतीश की कार में घूमते थे, तो फिर उस दिन क्या बात हो गई थी? जो की मौत होने वाली है तुम लोग जानते? नहीं सर। जो के घर से तुम क्या लाए थे? घर से कुछ नहीं लाए सर। वो रोहित के साथ क्या पंगा था? कौन रोहित? वो हाउस सर्जन रोहित मेनन। कोई पंगा नहीं था सर। फ्रेशर्स डे के दिन कुछ तो पंगा हुआ था ना?
वो छोड़ो, वो रोहित मेनन पिछले दो हफ्ते से मिसिंग है। हाँ, शायद कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे। हो सकता है मारा गया हो। क्या कहा सर? हाँ, टेंशन मत लो। ओके अगर रोहित मारा गया तो उसकी बॉडी कहाँ गई? अरे आप लोग सर, ये लुका छिपी क्यों? कुछ नहीं सर। क्या कुछ नहीं? मुझे कुछ मत कीजिए सर, मैं तो आपको एक सच बताने आया हूँ। जल्दी बोलो। रोहित के यहाँ से जाने से पहले एक लड़की का फोन आया था सर। तुम्हें ये कैसे पता? वो फोन मैंने ही रिसीव किया था। वो कौन थी? अमला। नो सर, हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था और ना ही कोई ऐसी बात। रोहित की इस पूरे कॉलेज में बस दोस्ती सिर्फ तुम्ही से थी। बिकॉज ऑफ दैट He found himself very close to you. Maybe. हम दोनों ने कॉलेज में एक ही दिन एडमिशन लिया था और उसी दिन पहली बार मिले और पहचान हुई। कैसे? सर आप तो जानते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ सीनियर कैसे पेश आते हैं। उन पांचों ने मिलकर फर्स्ट डे मेरे साथ रैगिंग करने की कोशिश की। इस सिचुएशन में रोहित ने आके मेरी मदद की। तुमने इंक्वायरी नहीं की? हॉस्टल में जाकर मैंने कईयों से इंक्वायरी करनी चाहिए लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला। हमें पता चला है कि 18 तारीख को शाम 4 बजे होटल ऑर्चर्ड से रोहित के सेल पर फोन आया था और ये भी पता चला है कि वो कॉल तुमने ही किया था। अगर किसी ने मेरा नाम लेके फोन किया तो यकीन कीजिए अनु और रागिनी होगी। तुमसे कोई मिलने आया है? कौन है? कोई पुलिस ऑफिसर है। पर हमने तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, उनसे कहना बाद में मिले। अनु पुलिस है, मजाक मत कर। ओ, पुलिस है, उनसे कहना अपॉइंटमेंट लेकर आना फिर हमसे मिलना। अरे ऐसा मत बोलिए, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आपके जैसी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आएगी तो तौहीन होगी, इसलिए हमने सोचा हम ही आपके पास आ जाएं। हमारी नौकरी का सवाल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर जाओ। एक लड़की की खूबसूरती सिर्फ उसके गोरे रंग से नहीं होती बल्कि उसके स्वभाव से भी होती है, जिसे हम अच्छे संस्कार कहके बोलते हैं। लड़कियों के अंदर थोड़ा घमंड भी होना चाहिए। बट नो यूज। व्हाट डू यू वांट? रोहित मेनन। रोहित मेनन कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ, और उसके साथ क्या हुआ बताओ। पर ये हमें कैसे पता होगा? मुझे मालूम है, तुम्हें ही पता है। कहो ना, हमें नहीं पता। तुम लोग 18 तारीख को होटल बीच ऑर्चर्ड में 9 से 5 बजे के बीच थे। तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे याद नहीं। अच्छा, तुम्हें याद नहीं है ना? लेकिन वहाँ का रिसेप्शनिस्ट मोहनदास को सब कुछ पता है, हमने उससे सब कुछ पूछ लिया है। शाम को 4 बजे एक फोन कॉल किया गया था रूम नंबर 307 से मेन हॉस्टल में रोहित मेनन को। तुमने वो कॉल नहीं किया? नहीं किया। तो फिर इसने किया होगा। इसने भी किसी को कॉल नहीं किया। मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुमने कॉल किया था? ए, हमें ज्यादा परेशान मत करना वरना तुम्हारी शिकायत वुमन कमीशन को कर दूंगी। अच्छा, शिकायत करोगी? पर मेरी नहीं, अपने माँ बाप के खिलाफ करो, जिन्होंने तुम्हें बिना सोचे समझे फालतू में पैदा कर दिया। बस कंप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर तुम लोग कुछ भी नहीं बोलोगी तो भी तुम्हारी आंखें सच बता देंगी। हाँ। कि कॉल तुम्ही ने किया है। मैं जल्द ही तुम लोगों को पूरे सबूत के साथ कस्टडी में लेने आऊंगा, तभी तुम लोग अपनी सच्चाई मेरे सामने कबूल करोगी। और रोहित कहां पर है मैं तुमसे उगलवाऊंगा कि उसे क्या हुआ था। मैं सिर्फ उसे ही हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा, तुम भी साथ में होगी, याद रखना। सर। हाँ? आओ आओ, सिटी पुलिस कमिश्नर सुदीप हरिहरन। और कैसी है आपकी राजधानी, क्या हाल है? अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर तो बस प्रॉब्लम ही है। देखो डीआईजी, जिस दिन तुमने चार्ज संभाला उसी दिन एक एमएलए को थप्पड़ मार दिया, इसी को प्रॉब्लम कहते हैं।
मैं खुद को संभाल रहा हूँ। सर, मैं आपसे एक ऑफिशियल बात करने आया हूँ। जानता हूँ, आम तौर पर तुम्हारे सीनियर ही आके मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। जानता हूँ सर। सुदीप भैया, रुकिए तो, इतने दिन हो गए आपको ड्यूटी ज्वाइन किए, आज जाने का मौका मिला। तुम जो यहाँ कहने आए हो, तुम इसे अपनी भाषा में खुद ही समझाओ। भाषा वाषा सब मैं जानती हूँ, और लाइफ कैसे चल रही है, घर में सब कैसे हैं? अरे घर में सब अच्छे ही होंगे। एक काम करो, इनके लिए चाय लेके आओ। ये तो पक्का हो गया कि सतीश उस काम में शामिल था। उन चारों के बारे में भी कुछ खास डाउट नहीं है, तो फिर सतीश भी शायद उसमें शामिल होगा। ये पक्का है। तुम कुछ दिनों से हम लोगों के पीछे लगे हुए हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे सिर्फ एक ही जवाब चाहिए, रोहित मेनन के साथ क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने मारा है? बताओ। सुदीप, तुम तहकीकात करो, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मगर यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं, तुम्हें यकीन है कि ये उसमें शामिल था तो तुम सबूतों के साथ आना। वादा करता हूँ कि उस समय तुम्हें इसे अरेस्ट करने से नहीं रोकूंगा। ये कैसे सर? नो मोर क्वेश्चंस, इट्स माय ऑर्डर। सॉरी सर, ही हैज टू आंसर मी एंड आई टेकिंग हिम इनटू माय कस्टडी। मेरी जॉब, मेरी जिम्मेदारी, मैं जरूर निभाऊंगा। फिर तो तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम उसका पालन करना होगा। सुना नहीं तुमने? चलो जाओ यहाँ से। सुन रहा हूँ, मैं उसका मतलब समझ सकता हूँ जो तुम्हारे पिताजी ने बोला है, तो मत समझाओ। लेकिन तुम समझ रहे हो कि तुम यहाँ अपने पिताजी के पावर का इस्तेमाल करके बच जाओगे? नहीं सर, अब चलता हूँ मैं, पर मैं वापस जरूर आऊंगा, इसके नाप के हथकड़ी के साथ ही आऊंगा। उस हाउस सर्जन को तुम लोगों ने ही मारा है, मैं यहाँ खुद तुम्हें दूसरे केस से बचाने के लिए परेशान हूँ, इस केस से नहीं बचा पाऊंगा। आपने किया ही क्या है? मेरे दोस्तों के माता पिता के पास इतना पैसा कि उसकी वजह से मैं बच जाता हूँ, फिर दोबारा ऐसी बात मत करना। ए रुक, पकड़ पकड़ उसको, ए पकड़, रुक, कहाँ जाएगा तू? ए रुक, कहता हूँ चल। बोलेगा? अमला के कॉल की बात पुलिस को क्या बताई? वो मेरी मर्जी थी, मैं फिर से बोलूंगा। बोलेगा तू? पुलिस से बोलेगा? रुको रुको रुको, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे इतना क्यों मार रहे हो? कहाँ गया? कहाँ गया? अरे सर छोड़ना मत, देख मैं उधर देखता हूँ। अरे ए, रुक, मैं बोला रुक जा। चलो चलो पीछे हटो, हटो पीछे हटो, साइड में हो जाओ। शांति से खड़े हो, आगे मत बढ़ो, पीछे हटो। पीछे हट सर। नहीं। चलो चलो, इन लोगों को बोल के फॉर्मेलिटी जल्द से जल्द खत्म करो, आगे मत बढ़ो। क्या हुआ? हेलो, पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया है कि वो बॉडी रोहित की है, शायद इसलिए सतीश डिस्टर्ब था। मैं उसको दोष नहीं देना चाहती, अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो जाएगी। ओहो, वो सब सतीश देख लेगा, बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब तो मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। तुम चुप रहो। ओह नो, शिट, अब हम लोगों को घूम कर जाना पड़ेगा वहां से।
तुम घर कौन से गाड़ी से जाओगी? महालक्ष्मी एक्सप्रेस से जाऊंगी। हाँ वही ठीक होगा, हाँ। क्योंकि उसमें ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। तो फिर से शुरू हो गई ना, उसकी बॉडी अब तक मुर्दाघर में जम गई होगी। अब तो डर रही है? नहीं, मेरे साथ बहुत हो गया, खुद भी परेशान हो रही है, मुझे भी परेशान कर रही है। मेरे साथ मजाक कर रही है, कुछ हो क्या गया है? हाँ नहीं यार, मैंने ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ तेरे सर में चोट लगी है। अनु पानी ये ले। अनु ये ले। अनु यहाँ कोई गवाह है? नहीं सर, यह हादसा रात में हुआ है। यहाँ पर किसी दूसरी गाड़ी से ठोके जाने का कोई निशान नहीं है। अनु कैसी है? उसके सिर पर थोड़ी सी चोट लगी है सर। अच्छा ये बताओ, मान लो कि एक बड़ी गाड़ी से स्कूटर को आगे या पीछे से टक्कर मारे तो सर, लेकिन बॉडी वहां तक कैसे पहुंच जाएगी? सर वो ये कैसे हुआ समझ नहीं पा रहा हूं। बाद में ये बॉडी उसके रिलेटिव को दे दे। ठीक है सर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने रागिनी को आखिरी वक्त नहीं देखा कि उसे क्या हुआ। अच्छा हुआ नहीं देखा, वरना तुम्हारी हालत और खराब हो जाती। पापा, मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, आप बाहर जाएंगे प्लीज? चलो।
देखो, रागिनी की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। तो फिर? ये सच है कि स्कूटर फिसला और हम लोग गिर गए, पर उसी ने मुझे उठाया और पानी भी दिया उसने मुझे। हा? मैं सच बोल रही हूँ, उसे मारा गया है। मुझे नहीं पता ये किसने किया, पर मैं श्योर हूँ। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो तुम्हें मानना ही होगा। हम ये सारी बातें पुलिस को बताएंगे। मुझे भी लगता है कि यही ठीक रहेगा। ये सब बता के हम लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। हुँ? लेकिन हम अपनी जान बचा सकते हैं ना? जान बचाने चली है। तुम लोगों के पास अब कुछ भी खोने को नहीं है। सिर्फ है तो वो है MBBS, समझी? पर मेरे और मेरे परिवार के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जानती हो? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं? याद रखना, मैं अपने सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? कोई किसी को कुछ बताने नहीं जा रहा है, ये सतीश बोल रहा है। सतीश? आनंद? उसे मारा गया है, मुझे नहीं पता ये किसने किया, पर मैं श्योर हूं। जो अनु, अनु, हाँ, अब बैग लेकर क्यों आए हो? बताओ ना। कुछ नहीं, ये बताने आया था कि घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम घर क्यों जाना चाहते हो? मुझे लगता है अगला नंबर मेरा है। आनंद, तुम्हें भी आज ही अपने घर चले जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन क्यों? हमारे पापों की सजा हमें खोजते हुए आ रही है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने सतीश को बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं जा रहा हूं। हाँ, अब शायद दोबारा हम कभी ना मिल पाए। आनंद, क्या हुआ? गड़बड़? कुछ गड़बड़? ये शायद सपने में डर गया। ओ, बुरा सपना देखा क्या? अरे चलो 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 चलते हैं।
नहीं यही हाल रहा तो उन दोनों का क्या होगा? हाँ, उनमें से एक का केस तो श्योर है, उस लड़की का। तो फिर मिनिस्टर का बेटा? हाँ वही, इन सब के पीछे है। अब ये समझ लो कि चारों रोहित के कत्ल के मुख्य गवाह थे। अगर उसने चारों को मार दिया तो वो बच जाएगा। सर। हेलो। हाँ। क्या है, मुझसे इतने अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी? वो मुझसे कहो, उसने मुझसे सब बता दिया है। 5 साल हो गए और इन 5 सालों में तुम पांचों ने कितने जुर्म किए मुझे पता है। तुम्हारी सारी करतूत मैं जान चुका हूँ, रोहित के बारे में भी। आखिर तुम लोग ये सब कर कैसे सकते हो? वो बस हो गया, बहस करने से कोई फायदा नहीं। फायदा है, इसका बाप होने के नाते इसके जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, बचा लो। रोहित के मर्डर का सारा खुलासा मैं करूंगा, वो भी पुलिस के सामने। मैंने कमिश्नर को बुलाया है, अभी वो आते ही होंगे। ये धमकी है? अच्छा है, तुम अपना जुर्म कबूल करके गवाह बनना चाहती हो। देखो ये पॉसिबल नहीं है, इनके से अगर ये होता है तो इस केस में सिर्फ एक ही गुनहगार होगा, तुम्हारी बेटी अन्नू रामचंद्र। क्यों, मुझे फंसा के खुद बचने के चक्कर में थी? मारा, समझ गई? तू आज शाम तक इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर यहाँ से चली जा। तू जानती है सतीश सिर्फ एक बार बोलता है और जो बोलता है वो करता है। अगर शक है तो अपनी बेटी से पूछ ले। अन्नू रामचंद्र और मिस्टर रामचंद्र, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, समझ गए? अच्छा है कि आप लोग यहां से चले जाएं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तुम जीत गए। जीत, जीत हमेशा मेरे कदम चूमती है। मैं तुम्हारे केस में बस फेल हुआ क्योंकि मेरे पिताजी की दया दृष्टि तुम पर थी, सिर्फ उसी वजह से। हटो यहां से। तो मुझे नाना चाहिए सर। तो अनु के ऊपर मंडरा रहे खतरे से उसे उसके पिताजी भी नहीं बचा पाएंगे। प्लीज, तुमने सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। ठीक है, हाँ ये लो पकड़ो। हाँ। तुम लोग रिसेप्शन पर वेट करो। हाँ। मैं बिल चुका कर आता हूँ। Oh!
बेटी अनु अनु बेटी कहाँ गई होगी? शांत रहो, यहीं कहीं होगी। अपने साथ छोड़ो मुझे, तूने मेरी बेटी को मार डाला। मिल गए सर, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अपने आप समझी रहने। और किसे किसे मारेगा तू? बोल बोल कमीने, अगर सब कुछ बता दिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। सिर्फ तेरी वजह से उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तुझसे डर गई थी। लेकिन मैं नहीं डरूंगा। छोड़ो, तू बचेगा नहीं। आज मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा, पुलिस को सब बता दूंगा। तुझे मैं सजा दिलवा के रहूंगा। तूने बहुत पाप कर लिए, अब तू नहीं बचेगा। जा भाग यहाँ से, भाग, छोड़ मुझे, भाग यहाँ से कमीने, भाग। काबू कीजिए, चलिए अंदर, चलिए चलिए, जाने दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग कमिश्नर, क्या काम है? कुछ नहीं, बस यूं ही मिलने आए हैं। क्या मुझे अरेस्ट करने के लिए? हाँ, यही समझो। एक बार मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हारे नाम की हथकड़ी लाऊंगा। इधर आओ। सुनो, इसे ले जाकर इसका कमरा दिखा दो। कहाँ जा रहे हो तुम?
तुम्हारे पास जो कैसेट है ना वही लेने जा रहा हूँ, चलो हटो। तेरी इतनी हिम्मत की हाथ उठाता है? तूने जो अब तक किया है उसका पूरा हिसाब लूंगा, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, समझ गया ना? लेकिन अब समझ जाएगा। सुदीप क्या है ये, क्या तुम्हें ने कानून बनाया क्या? अगर इसने कुछ गलत किया है तो मैं खुद इसे कोर्ट ले जाऊंगा, इसे यहाँ तुम मेरे सामने गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का भरोसा कानून से पूरी तरह उठ गया है, जब पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो भी वो नहीं कर पाएगी क्योंकि अपराधी मंत्री का बेटा है। ये बात तो तुम्हें पहले ही समझना चाहिए था कि मेरा पावर क्या है, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। मंत्रियों के पावर को तुम जानते तो मेरे बेटे को कभी अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करते। सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ इंडियन मंत्रियों की पावर को और उनकी ताकत को, खुद ही अपराध करते हैं, करवाते भी हैं और साथ ही साथ अपनी औलादों को भी यही शिक्षा देते हैं। पता नहीं आप लोगों के रहते इस देश का क्या होने वाला है। हमारे जैसे मंत्रियों पर कीचड़ उछालने से पहले 100 बार सोचना, हम ही देश चलाते हैं, हम ही कानून बनाते हैं, समझे? सर कैसे? रोहित मेनन के मौत का ये सबूत मुझे लगता है ये काफी होगा सर, सच्चाई सामने आ जाएगी। तू मुझे फिर से अरेस्ट करने चला क्या? ये टोपी यूनिफॉर्म सब उतर जाएगी। टेक हिम, मुझे माफ करें सर। सनसनीखेज खुलासा, मिनिस्टर रामकृष्णन के बेटे के हाथ होने की आशंका है। रोहित मेनन मर्डर के पीछे मिनिस्टर रामकृष्णन की वजह से सरकार भी कटघरे में आ गई है। इसके सूत्रों से पता चला है कि पार्टी मिनिस्टर से भी जवाब तलब करेगी और उन्हें स्टेट कमेटी मीटिंग में रिजाइन करने को कहेगी। मिनिस्टर रामकृष्णन स्टेट कमेटी मीटिंग के बाद ही। देखो मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे किसे समर्थन देना है किसे नहीं देना है ये मैं तय करूंगा। तो क्या फैसला हुआ? मीटिंग अभी चल रही है, मुझे किसी दूसरे फंक्शन में जाना था इसलिए मैं जल्दी बाहर आ गया। सर क्या आप बने रहेंगे? मैंने कमेटी के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है, पार्टी के सेक्रेटरी ही पार्टी का डिसीजन बताएंगे। पॉलिटिशियन की नज़र में सही नहीं है कि आप रिजाइन कर दें जबकि आपका बेटा एक मर्डर केस में फंसा हुआ है? उसके बारे में भी कहूंगा, कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। कोर्ट का फैसला अगर आपके बेटे के खिलाफ आया तो क्या आप रिजाइन कर देंगे? बोलिए सर। ये सब बातें मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी डिसाइड करेगी। विपक्षी नेता बोल रहे थे कि आपकी पहुंच की वजह से जांच रोक दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन सब बातों का फैसला सरकार करती है। मुख्यमंत्री इस केस में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो यहाँ जल्दी आने वाले हैं, आप उन्हीं से पूछ लेना प्लीज। काम क्रोध लोभ मोह भय जिस मनुष्य में होता है यही दुख का मूल कारण होता है। इसका मतलब? इसका मतलब जब कोई उस गांठ को खोलता है जो उसे बांधा गोलमाल। अपराधी उस व्यक्ति का बेटा है जो राजनीति में अच्छे पद पर है, अगर उसे वो सजा नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए तो जनता का भरोसा न्याय पर से उठ जाएगा। योर ऑनर, सच पर यकीन करें तो इस अपराधी का समाज में बहुत ही ज्यादा दबदबा है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर प्रभाव डालेगा और सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि अपराधी को बेल ना दी जाए और ये केस जब तक चले तब तक इसे पुलिस कस्टडी में रखने की इजाजत दी जाए, ये मेरी कोर्ट से गुजारिश है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपराधी और उसके दोस्तों ने मर्डर रिकॉर्ड किया है योर ऑनर, और ये सारा रिकॉर्ड एक वीडियो कैसेट में है। कोर्ट से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सच जाने के लिए वीडियो देखें, उससे कोर्ट को पूरी तरह पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और इस अपराधी की उस मर्डर में क्या भूमिका है। परमिशन ग्रांटेड। रोहित मेनन के मर्डर केस के मुख्य अपराधी सतीश रामकृष्णन को बेल पर रिहा किया जाता है क्योंकि कोर्ट बिना किसी सबूत के अपराधी को कोई सजा नहीं दे सकती। इसीलिए कोर्ट इस केस की आगे छानबीन करने के लिए पुलिस को आदेश देती है, 1 महीने के अंदर इस केस की सारी रिपोर्ट कोर्ट में हाजिर की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हेलो कमिश्नर। Ha 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 ha!
वाह। सुदीप सर, ये सब तो अपने ही बच्चे हैं ना। तू नहीं सुधरेगा। हमसे गद्दारी करता है सुअर की औलाद। तूने फिर से धोखा दिया मुझे। अगर मैं ट्रिगर दबाऊं तो तेरे भेजे का चिथड़ा उड़ जाएगा, समझा क्या? मुझे गवर्नमेंट सैलरी इसलिए नहीं देती कि इन दो कौड़ी के लोगों की सेवा करता फिरता रहूं मैं। डिपार्टमेंट की अपनी इज्जत होती है, समझा? सर असल में वो अब दोबारा अगर खेलने की कोशिश की तो समझना तेरा खेल खत्म। चला जा यहां से, चला जा। चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जा। बैठ अंदर। क्या चाहते हो, क्या बात है? मुझे ये लोग रास्ते में मिले हैं। लेकिन आप नहीं जानते, अगर मैं मीडिया के साथ होता तो आप जानते इनका क्या हश्र करता। मैं इन्हें पूरी मीडिया के सामने परेड करवाता। बस अफसोस इसी बात का था कि मीडिया वहां मेरे साथ नहीं थी। आप शायद अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है तो इसका मतलब भी आप समझ रहे हैं। लेकिन हर बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों की वजह से श्रीमान जी आपको बेल मिली है। लेकिन याद रखना, जब तुम अपनी जीत वाइन और वोमेन के साथ सेलिब्रेट करोगे वही तुम्हारा आखिरी सेलिब्रेशन होगा। योर टाइम इज अप। 3 से 4 दिनों के अंदर तू भी खत्म हो जाएगा, आई एम श्योर। सुदीप सर, अनु ज्योति आनंद के कंटिन्यूएशन में एक और नाम बाकी है। इसका सर, इसकी मौत कभी भी हो सकती है। बेटे की मौत के दुख को सहने की और न रोने की ताकत तुम्हें मिले ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। अभी वक्त है, प्रार्थना शुरू करो। शायद भगवान सुन ले। कुछ दिनों के लिए अपने आप को सेफ रखो, समझे? नमस्कार सर। सिट डाउन। कोई खास बात? मिस्टर सुदीप, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा था, मैंने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बार बार चेक की हैं। देन ये साइंस सिर्फ हमें बचाता ही नहीं है, कभी कभी सजा भी दे देता है। समटाइम्स ये भटका भी देता है, मतलब कि पहली नजर में किसी पर विश्वास मत करो, वो सच नहीं हो सकता। और इस बार भी ऐसा ही है, आपको यकीन नहीं आएगा। See this. बड़ी मेहनत से आपके लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार की है, पढ़िए इसे। Yes. Huh?
डाउट करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आत्मा नहीं हूं सर। ओ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है। बस 3 दिन पहले ही इस बात पर मुझे विश्वास हुआ जब डॉक्टर रामेंद्रनाथ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो बॉडी जिस पर उन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो तुम्हारी नहीं थी, तभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दफनाई हुई बॉडी को याद करने में आपको 1 हफ्ता लग गया था, उसी वजह से मैं आपकी आंखों में धूल झोंक पाया। मुझे यकीन था कि आपके सामने सच जरूर आएगा। मेरा फैसला था कि काम खत्म करके मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूं, मेरा यकीन कीजिए। ओके, मैं विश्वास करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ और जानना चाहता हूं। तुम रोहित मेनन नहीं हो, तुमने बैंगलोर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, वहां कोई तुम्हें नहीं जानता। मेरी जानकारी के हिसाब से रोहित के जाली सर्टिफिकेट पर तुमने एशियन कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन तुम हो कौन? मैं एक कातिल हूं जिसने 4 को मारा और 1 को मारने की कोशिश की है। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, तुम एक साधारण कातिल नहीं हो, तुम बहुत ही शातिर दिमाग हो। रोहित मेनन के नाम से जीने वाले आखिर तुम हो कौन? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मणिपाल से मैंने हाउस सर्जरी की है। अपना लक्ष्य पाने के लिए मैंने खुद को अनंत कृष्णम से रोहित मेनन बनाया। अनंत कृष्णन, तुमने उन्हें क्यों मारा? और कॉलेज के छोटे मोटे झगड़े का बदला इस तरह लेने की क्या जरूरत थी? क्या यह जरूरी था छोटे से झगड़े का बदला तुम्हारी तरह से लिया जाए? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने ही उन्हें उकसाया था। क्यों? उनका दुश्मन बनने के लिए मैंने खुद से ही जानबूझ के आगे से झगड़ा किया। आर यू मैड? नहीं, ये मेरा पागलपन है। अपनी जिंदगी के सपने, एम्बिशंस जिसने खो दिए हो, एक ऐसे आदमी का पागलपन जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वो आपके सामने है। 1 साल पहले लेडीज हॉस्टल के टेरेस से एक लड़की को गिराकर मारा गया था। अनीता, वो कौन लगती थी? अनीता मेरे लिए सब कुछ थी। अपने माता पिता को खोने के बाद अनीता ही मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। उसने मुझे वो सब बताया जो उसके साथ कॉलेज में हुआ था।
कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। हे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि वो लोग खुद डर गए हैं। ए, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए अनजान जगह है। बी केयरफुल। कोर्ट में उनके खिलाफ मैं गवाही देकर रहूंगी। जो कुछ भी हुआ मैं सच सच बोल कर रहूंगी, ताकि किसी लड़की के साथ भविष्य में ऐसा हादसा ना हो। हेलो, मैंने उसे मरते हुए सुना। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मैं समझता हूँ, पर अपराधी को कानून के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन तुमने एक जिंदगी के बदले में 5 लोगों की हत्या की है, मामूली अपराध नहीं है? नहीं सर, एक जिंदगी नहीं, पूरा परिवार। अंकल ने घर नहीं आने दिया। मणिपाल से जब घर पहुंचा, अंकल अपराधी को सजा दिलवाना चाहते थे। और दूसरी मुश्किल तब हुई जब ये केस कोर्ट में पहुंच चुका था। वो डर गए थे। पहले तो लालच देकर इस केस को विथड्रॉ करने की कोशिश की गई थी, फिर डरा कर और फिर भी नहीं माने। तब मैंने कानून को गिरते हुए देखा। मैं अपने आप से पूरी तरह टूट चुका था, उन लोगों के दुख के सामने जो सब कुछ खो चुके थे। मैंने देखा कि कानून ने किस तरह दौलत और ताकत के आगे घुटने टेक दिए। मैं हार गया। कोर्ट के फैसले के बाद जब वो लोग वापस कॉलेज आए थे, तो उन लोगों ने फिर से वही बात दोहराई जो मेरे और मेरे अनीता के और मेरे परिवार के साथ हुआ। वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे बदला लिया और उन चारों को मार डाला। मैंने चारों को धीमी धीमी और दर्दनाक मौत दी, ताकि वो ये समझ सके कि ये मेरा बदला था। इसलिए मैंने सबको मारा जैसा मैंने सोचा था। वो सारा का सारा बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। ये मेरा बाप है जो इसने मुझे इतने लोगों के सामने तमाचा मारा, बोलो। इसीलिए इसने मुझे अपना नौकर बना रखा है। हद हो गई कमीनगी की, तो हद हो गई है। मैं तुझे मार सकता था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं। फिर उनकी दोस्ती जो लगभग टूटने के कगार पर थी, वो मेरे लिए एक मौका था जिसने एकदम सही काम किया। जो मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूं। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही था। यह दोबारा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। सॉरी जो, आज जो सतीश ने तुम्हें सबके सामने मारा, वो तो बस शुरुआत है। उसे तो बस हुक्म बजाने वाले गुलाम चाहिए। जो चिंगारी मैंने उसके अंदर लगाई थी, वो पूरी तरह भड़क उठी थी। फिर भी उसने कुछ भी करने से परहेज किया। उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और फिर सतीश के खिलाफ वो कुछ भी कर सकता था। मैंने उसे समझाया कि सतीश किसी दिन धोखा देगा। वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ गया। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करने लगा था। मैंने उसका विश्वास जीत लिया था। प्लानिंग ये थी कि मेरे मैंगलोर छोड़ने के बाद ही वो सब होगा। सतीश ने अपना गेम शुरू किया और उसके बाद शुरुआत हुई असली कहानी की। अमला, तूने उसे मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने उसे मारा? जैसा कि पहले तय हुआ था, सिर्फ जो ही उन्हें कन्विंस कर सकता था कि मैं मर गया, और उसने कन्विंस कर दिया। हॉस्पिटल रूम में पुलिस चेकिंग के पीछे भी जो का ही हाथ था। जो ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि एक बिना पहचान के डेड बॉडी कार से स्मगलिंग की जा रही है,
ये सब आनंद से छिपने के लिए था और सिर्फ तभी ही मैं किसी के जाने बगैर निकल सकता था। मैं पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो गया। सीधे एनाटॉमी लैब आ गया जैसा कि पहले तय हुआ था। चल 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 चल। चल जाना। कॉलेज से बॉडी लापता हो गई और कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो 4-5 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। किस्मत से उन्होंने ये राज कभी नहीं खोला। तो फिर तुमने जो को ही पहले क्यों अपना शिकार बनाया? यही वो एक शख्स था जिसे सब पता था, इसलिए उसको पहले मार डाला। फिर एक के बाद एक तुम्हारा दुख बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान का अपना मकसद पूरा ना हो, लेकिन तुम अपने मकसद में फेल हो गए, राइट? नहीं सर, मुझे पता था कि आप मिनिस्टर के घर के अंदर थे। उसे मारने के 5 सेकंड के अंदर ही मैं सरेंडर करने वाला था, लेकिन मैं पकड़ा गया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। पर मैं ये नहीं मानता कि मैं फेल हो गया। अगर कोर्ट मुझे मौत की सजा नहीं सुनाता तब भी मैं किसी भी जेल से आ जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी जेल से बाहर आकर उस आदमी को मार डालूंगा, क्योंकि भगवान ने उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तुम्हारी ही तरह और न जाने कितनों की तरह मैं भी यही चाहता हूं, पर यह वर्दी मुझे ऐसा काम नहीं करने देगी। क्या करें, हम उसे बिल्कुल नहीं हरा सकते जिसके पास पैसा और ताकत हो, लेकिन ऊपर वाला सबसे बड़ा जज है, जो कि सारे कोर्ट कचहरियों से ऊपर है, जो सबूत और गवाह नहीं देखता, वही तुम्हारा हर अच्छे काम में साथ देगा। जाओ। चल बाहर निकल। अगर ये सीन मैं मिस कर देता तो मेरे लिए दुख की बात होती। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम जेल से बाहर डेड बॉडी बनकर आओगे। हाँ, मैंने ही इन्हीं हाथों से उसे नीचे फेंका था। मैंने एक लॉरी उसके माँ बाप के सिर पर चढ़ा दी थी, वो भी इन्हीं हाथों से। तू बदला लेना चाहता है ना? ले ले, ले चल, चल लेना। हथकड़ी खोलो। खोलता हूँ। हथकड़ी खोलो। खोल दो हथकड़ी। अह
सर आप जाइए, मैं इसे देख लेता हूँ। पुलिस पर हाथ उठाता है ये। भगवान ने तुझे मेरे सामने लाया है, मेरे हाथों से तुझे मरना है। तू एक बार बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। नो हे नो
लग जाए, दाव तेरी जान का भी लग जाए। मिले रे मिले रे मिले मिले रे मिले रे मिले मिले रे मिले रे मिल जाए, रिश्ते सारे खाक में मिल जाए। कौन टिका है मौत के आगे, वक्त जब रूठे टूटे सब नाते।